दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे टेक्निकल दिव्यांग चैनल पर। दोस्तों YouTube पर अभी बहुत सारे वीडियोस ऐसे डाले जा रहे हैं जिसमें आपको जानकारी कम लेकिन फेक न्यूज़ ज़्यादा मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आजकल ऐसा ही कुछ वीडियोस देखने को मिल रहा है बिग बिलियन सेल और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल को लेके, जो कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे हर साल आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो दशहरा के आसपास। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रूफ के साथ बताएंगे किस तरह से आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स बेवकूफ़ बनाते हैं, किस तरह से फेक न्यूज़ बताते हैं, और बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी आपको किस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं इस सेल के ऑफ़र्स के बारे में, यानी कि इसकी डेट बताकर कि किस तारीख को आ रही है या इस तारीख को आ रही है। अमूमन अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस डाले गए हैं यूट्यूब पे, बाकी एक दो अगर हम यूट्यूबर को छोड़ दें तो बाकी सभी ने सेम कॉपी करी है, और वहाँ पर आपको जो है सेम डेट बताया गया है बिग बिलियन सेल को लेकर और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल को लेकर। लेकिन यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम आपको प्रूफ के साथ बता देंगे कि ये कैसे फेक वीडियोज़ बनाते हैं सिर्फ व्यूज पाने के लिए, और ये जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल या फिर बिग बिलियन डेज जो आने वाली है वो कब आने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले घंटी को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक जिन्यून वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता दें कि ज़्यादातर यूट्यूबर ने ये कहा है कि 29 से सितंबर से शुरू होगी आपका जो सेल है वो 4 अक्टूबर तक चलने वाला है, चाहे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल हो या फिर बिग बिलियन डेज, दोनों ही एक दो दिन के हेर फेर में शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको प्रूफ दिखा दूँ कि किस तरह से ये बेवकूफ़ बनाते हैं आपको और बताते हैं। हालाँकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहीं पर भी ना अमेज़न ने दिया है और ना ही फ्लिपकार्ट ने दिया है। तो चलिए हम थोड़ा सा बैक आ जाते हैं, हम पहुंच जाते हैं 2017 के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में। पहले बात करेंगे हम अमेज़न की। तो 2017 में 21 सितंबर से 24 सितंबर तक चला था ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, जबकि दशहरा जो थी वो 30 सितंबर को थी। बढ़ते हैं थोड़ा आगे, 2018 में यानी कि 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चला था ये सेल, जबकि 19 अक्टूबर को दशहरा थी, यानी कि दशहरा से 4 से 6 दिन पहले ये सेल समाप्त हो जाती है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं 2019 में 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चला था ये सेल, जबकि 8 अक्टूबर से दशहरा, यानी कि 8 अक्टूबर को ही दशहरा थी। तो यहाँ पर आपने देखा कि 4 से 6 दिन पहले समाप्त हो जाती है दशहरा के ये जो सेल है। वहीं पे अगर हम बात करें 2020 की तो 29 से 4 अक्टूबर तक चलने वाला है ये सेल कुछ यहाँ पर यूट्यूबर्स की माने तो, जबकि 25 अक्टूबर को दशहरा है। यानी ये इतना बड़ा गैप है, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि कहीं से कि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल हो या बिग बिलियन डेज ये स्टार्ट होगी। आपको कहीं से भी लगता है कि ये इतना दिन पहले आपका सेल ख़त्म होने वाला है? नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ दे दिया है कि 4 से 6 दिन पहले दशहरा के ख़त्म हो जाती है सेल, यानी हो सकता है अगर दुर्गा पूजा शुरू भी हो तो उससे 4-5 दिन पहले भी अगर सेल ख़त्म होती है तो कहीं ना कहीं 29 से 4 ये चीज़ें चलने वाली नहीं है, क्योंकि शुरू भी होगी दशहरा तो 15 या 17 से। तो यहाँ पर आपने देखा पूरा प्रूफ के साथ ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आपको नहीं मिलने वाला है 29 से 4, जिस तरह से बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिस पर हम भरोसा करते हैं वो भी बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये फेक न्यूज़ आपको अब देने शुरू कर दिए हैं सिर्फ व्यूज पाने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन सेल की तरफ। तो दोस्तों यहां पर भी 2017 से ही शुरू करेंगे। 2017 में 20 सितंबर से 24 सितंबर तक चला था बिग बिलियन डेज का सेल, जबकि दशहरा वहीं 30 सितंबर को थी। 2018 में 10 से 14 अक्टूबर, जबकि 19 अक्टूबर को दशहरा थी, यानी 5 दिन पहले समाप्त हो रही है। अब यहाँ पे 2019 की बात करें तो 29 से 4 अक्टूबर ही चला था, जबकि 8 अक्टूबर को दशहरा थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 4 से 5 दिन पहले ये सेल चली थी और इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। लेकिन जो यूट्यूबर्स आपको 29 से 4 अक्टूबर बता रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ से बता रहे हैं, शायद सेल शुरू ना हो तो वो अपनी तरफ से सेल देंगे, या फिर कुछ और कह के कुछ कारण से आपको बता दें कि हाँ कोरोना वोरोना ये सब के चक्कर में सेल जो है थोड़ा डिले आएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसा होने ही वाला नहीं है। 29 से 4 आपको ये सेल देखने को मिलेंगे ही नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं कि सेल कब तक आएगी। तो देखिए यहां पे कंफर्मेशन कहीं नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये आपको 19 तारीख से शुरू होकर
23 तारीख तक चलेगी सेल, या फिर इसी के आसपास एक दो दिन आप प्लस या माइनस कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ऑफर्स की बात कर लेते हैं, तो सबसे बड़ा ऑफर्स तो आपको बिग बिलियन डेज में ही देखने को मिलते हैं या फिर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में, जहां पर अमेजन में कैशबैक या फिर कार्ड पर आपको कुछ छूट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इंस्टेंट डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो आपको पीपे ट्रांजेक्शन पर 1000 तक के डिस्काउंट मिल सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें होनी चाहिए 10000 से ऊपर की, उससे नीचे की होगी तो हो सकता है आपको 500 रुपये तक ही देखने को मिले। बाकी बैंक ऑफर की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सिस बैंक क्रेडिट डेबिट कार्ड का हो सकता है, और यहाँ पे बात करें तो SBI का भी हो सकता है, और ICICI, ये तीनों बैंक, और साथ ही साथ HDFC को हम भूल ही नहीं सकते हैं। तो ये चारों बैंकों का आपको कार्ड पर प्रमोशन देखने को मिलेंगे आने वाले सेल में, लेकिन सेल जो है 19 से 23 तारीख तक के बीच में ही शुरू होने वाली है। तो मैंने यहाँ पर आपको पूरा प्रूफ के साथ बता दिया है कि किस तरह से लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं बिग बिलियन डेज सेल और यहाँ पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल को लेकर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।